नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के लगभग सभी जिलों की मुख्य बड़ी खबरों को। पीएम मोदी ने लॉकडाउन को लेकर लोगों से की ये खास अपील, कहा देश को बचाना है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश आज कोरोना के खिलाफ कठिन लड़ाई लड़ रहा है। बीते कुछ दिनों में जो फैसले लिए गए हैं वो कोरोना की स्थिति को सुधारेंगे। देश के नाम संबोधन पर पीएम मोदी ने कहा कि मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखें, उनसे आग्रह करें कि वो जहां हैं वहीं रहें। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा। वो जिस शहर में है वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड में 29 अप्रैल तक लगाया संपूर्ण लॉकडाउन। झारखंड में 29 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को इसकी औपचारिक घोषणा की। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक झारखंड में लॉकडाउन स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम से लगाया गया है। लॉकडाउन 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। झारखंड में कई रियायतों के साथ लॉकडाउन लगाया गया है। सरकार की ओर से जारी आदेश में जिम, शिक्षण संस्थाएं, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, पार्क, होटल, रेस्टोरेंट, सभी दुकानें, मॉल, शराब की दुकानें बंद कर दी गई है। झारखंड में 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल तक की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय बैठक के बाद इसका आदेश जारी किया। झारखंड में लॉकडाउन लगने के बाद सब कुछ पुलिस की जिम्मेदारी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने शक्ति का ऐलान भी कर दिया है। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा के बीच अब पूरी जवाबदेही पुलिस प्रशासन पर आ गई है। सरकार के दिशा निर्देश का पालन कैसे कराए यह पुलिस की जिम्मेवारी है। लॉकडाउन के बीच सख्ती को लेकर सभी जिलों में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया है। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान सख्ती से कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए चुनाव कार्य से वापस लौटने वाले बल को भी विधि व्यवस्था में लगाने की तैयारी में है। पश्चिम बंगाल व असम में चुनाव कार्य संपन्न कराकर लौटने वाले झारखंड पुलिस की कुछ कंपनियों को भी अब कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए विधि व्यवस्था ड्यूटी में लगाएगी। लॉकडाउन लगाने के बाद भाजपा ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, मिलेगा चिकित्सा परामर्श। कोरोना संक्रमण की बेकाबू होती दूसरी लहर को देखते हुए भाजपा ने सेवा की संगठन अभियान का दूसरा चरण शुरू किया है। इसके तहत भाजपा ने प्रदेश स्तर पर एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया। इस नंबर पर कॉल कर मदद मांगने वाले जरूरतमंदों को निशुल्क चिकित्सा परामर्श के साथ जरूरत की दवाइयां भी उनके घर तक पहुंचाई जाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने इस कार्य का अंजाम देने के लिए 4 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जिसमें प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा, सांसद संजय सेठ, विधायक समरी लाल और प्रदेश कार्य समिति सदस्य बल मुकुंद सहाय शामिल है। यह सेवा बुधवार से यानी कि आज से शुरू होगी। स्कूल को लेकर झारखंड सरकार के निर्णय को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने किया अमान्य, शिक्षक संघ ने किया विरोध। स्कूलों में शिक्षकों की 50% उपस्थिति के आदेश का अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने विरोध किया है। संघ का कहना है कि कोरोना संक्रमण की भयावहता को देखते हुए शिक्षकों के विद्यालय में उपस्थित उनके जान को जोखिम में डालने वाला हो सकता है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों को विद्यालय जाने की बाध्यता समाप्त होनी चाहिए। इस मामले में मुख्य सचिव द्वारा सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थाएं, कोचिंग सेंटर आदि सभी को बंद रखने का आदेश 18 अप्रैल को जारी किया गया है। झारखंड में सरकार से इतर, कांग्रेस खोलेगी कोरोना कंट्रोल रूम, 4 शिफ्ट में काम करेंगे डॉक्टर्स। कोरोना मरीजों की मदद के लिए रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कंट्रोल रूम खोला जाएगा। झारखंड सरकार में मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा कि इस संकट की घड़ी में हमारी नेता सोनिया गांधी के निर्देश पर पार्टी इस विपदा की घड़ी में लोगों के साथ खड़ी होगी, उन्हें हर संभव मदद पहुंचाने का काम करेगी। इसी उद्देश्य से प्रदेश कार्यालय में कोरोना कंट्रोल रूम खोला जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि इस कंट्रोल रूम में डॉक्टर्स भी बैठेंगे और उनकी 4-4 घंटे की शिफ्ट होगी। इस व्यवस्था के जरिए जरूरतमंद लोगों को मदद मिल सकेगी।
झारखंड में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 50 संक्रमितों ने तोड़ा दम। 3,992 मिले नए पॉजिटिव मरीज, सक्रिय मरीजों की संख्या पहुंची 25,000 के पार। राज्य में कोरोना का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे के भीतर फिर 3,992 नए संक्रमित मिले। इनमें सर्वाधिक 1,073 संक्रमित रांची जिले के हैं। कोरोना से एक दिन में 50 लोगों की मौत भी हुई। मृतकों में पूर्वी सिंहभूम के 17, रांची के 11, गोड्डा के 4, दुमका, गढ़वा, गुमला, खुट्टी, पलामू और रामगढ़ के 2-2, चतरा, धनबाद, कोडरमा, लातेहार, साहिबगंज और पश्चिमी सिंहभूम के 1-1 व्यक्ति शामिल हैं। राहत की बात तो यह है कि एक दिन में 1551 लोग कोरोना को हरा कर घर भी पहुंचे हैं। अब राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 25,619 हो गई है। कहां से कितने नए संक्रमित मिले आइए जानते हैं। रांची में 1073, पूर्वी सिंहभूम में 676, बोकारो में 113, चतरा में 141, देवघर में 141, धनबाद में 174, दुमका में 63, गढ़वा में 72, गिरिडीह में 27, गोड्डा में 55, गुमला से 52, हजारीबाग में 115, जमताड़ा में 113, खुट्टी में 147, कोडरमा में 287, लातेहार में 101, लोहरदगा में 23, पाकुड़ में 2, पलामू में 47, रामगढ़ में 80, साहिबगंज में 143, सरायकेला में 135, सिमडेगा में 96, पश्चिमी सिंहभूम में 116 नए संक्रमित मिले हैं। लॉकडाउन लगते रेलवे में टिकट रिफंड की भीड़। झारखंड में लॉकडाउन की घोषणा होते ही टाटा नगर स्टेशन के आरक्षण केंद्र में टिकट रद्द कराने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। इससे वाणिज्य कर्मचारी के समक्ष नगद राशि की समस्या फिर खड़ी हो गई, क्योंकि ज्यादातर ग्रुप टिकट था जो लोगों ने शादी विवाह को लेकर बिहार, यूपी व अन्य राज्यों के लिए बुक कराया था। अभी एक एक ग्रुप के टिकट मद में रेलवे को 35,000 से 45,000 रुपए तक लौटाना पड़ेगा, जबकि टाटा नगर रेलवे आरक्षण केंद्र में उतनी रकम नहीं है। इससे ग्रुप टिकट रद्द कराने वालों को दूसरे दिन बुलाया गया है ताकि रकम की व्यवस्था हो सके, क्योंकि टिकट रद्द करने के साथ ही रकम का भुगतान करना होगा। खबर है झारखंड के साहिबगंज से। श्रद्धालुओं ने की महागौरी की आराधना। चैती दुर्गा पूजा को लेकर लोगों को उत्साह का माहौल है। मंगलवार को श्रद्धालुओं ने पूजा पंडाल में मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की और सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। शहर में 4 स्थानों सकरोगढ़, चैती दुर्गा मंदिर, छोटा जिरवाबाड़ी चौक बाजार तथा रसूलपुर दलहा में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की वजह पूजा समिति के सदस्य भी काफी सतर्कता बरत रहे हैं। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का भी पालन किया जा रहा है। पूजा समिति के सदस्य मंदिरों व पंडालों में आने वाले श्रद्धालुओं को दूर से ही पूजा अर्चना करने को कह रहे हैं। मास्क लगाने के बाद ही पूजा पंडाल में प्रवेश करने दिया जा रहा है। शारीरिक दूरी का भी पालन करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। चैती नवरात्र करने वाले भक्तों ने भी मंगलवार को अपने अपने घरों में महागौरी की पूजा अर्चना कर मां से मन्नत मांगी। वहीं साहिबगंज में सखुआ की लकड़ी लदी ट्रक जब्त, एक गिरफ्तार। रंगा थाने के पुलिस ने मंगलवार की अल सुबह ब्रेड की ओर से बरहरवा की ओर जा रहे ट्रक को जब्त किया। उसमें 83 पीस सखुआ की लकड़ी लदी हुई थी, जिसकी कीमत लाखों रुपए होगी। ट्रक का चालक पुलिस को देखकर भाग गया, जबकि खलासी अकीमुद्दीन अंसारी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वह ब्रेड थाना क्षेत्र के कदमा का रहने वाला है। पुलिस ने खलासी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। खबर है झारखंड के दुमका से। हादसे में बाइक सवार की मौत, साथी घायल। दुमका रामपुर हाट के मुख्य मार्ग में नव पहाड़ के समीप मंगलवार को अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 32 वर्षीय बेंजामिन किस्कू की मौत हो गई। वहीं सवार साथी निर्मल किस्कू गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। नगर थाना की पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को स्वजनों को सुपुर्द कर दिया है। मौसम विज्ञान के आधार पर रामनवमी के दिन रांची में छाए रहेंगे बादल, आंधी के साथ हल्की बारिश के भी आसार हैं। रामनवमी के दिन रांची में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से 21 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके मुताबिक बुधवार को राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। इतना ही नहीं, 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने के भी आसार हैं। ये स्थिति 22 अप्रैल तक रहने की संभावना है। 23 अप्रैल से आसमान फिर से साफ हो जाएगा। पिछले 24 घंटे में रांची का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मंगलवार को इसमें कुछ खास बदलाव के आसार नहीं दिखा। हवा में आर्द्रता की मात्रा अधिकतम 50% और न्यूनतम 26% रही।
दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट रोजाना आपको मिलता रहे। और हाँ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक कमेंट कीजिएगा कि आप किस क्षेत्र से हो और किस तरह का न्यूज सुनना पसंद करते हो। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।